it's me Shalini. So here is a part second of branded bags haul. So yeah, मेरे को बाकी भी सारे मेरे bags deliver हो चुके हैं. So here I am. So इसमें मेरे पास Lavie & Caprese के हैं majorly और एक Lino Paris का है. So without any further delay, let's dive into the bags. सारे bags again मुझे काफी ज़्यादा अच्छे लगे. First part जो देखा था उसमें आपने different colors देखे थे, but इस वाले पार्ट में आपको ज़्यादातर ब्राउनिश टोन के ही मरूनी स्टोन के ही बैग्स दिखेंगे. फर्स्ट बैग इज फ्रॉम द ब्रांड Lavie, एज यू कैन सी. ये डस्ट बैग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि आपके जो बैग्स होते हैं वो आप इनमें ही रख लेते हैं तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी रहते हैं ये, आपको अलग से पॉलीथिन की ज़रूरत नहीं होती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट बैग विच इज़ अ शोल्डर बैग. एकदम बेसिक सा बैग है, आपको ये स्ट्रैप मिल जाती है शोल्डर स्ट्रैप, या फिर आप इसको एज अ हैंड हेल्ड बैग भी कैरी कर सकते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन यू. इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रैप इसमें नहीं मिलती है, ना कोई स्लिंग मिलती है. एंड या आपको आगे ये ब्रांडिंग मिल जाती है, कहाँ गई, हाँ यहाँ पे लिखी हुई. एंड हियर इज द मेन कंपार्टमेंट, एक ही मेन कंपार्टमेंट है, सिंगल जिप है और इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है. आपको बीच में एक ही चेन पार्टीशन मिल जाता है, इस साइड भी आपको स्पेस मिलती है एंड इस साइड भी स्पेस मिलती है. सो या विच आई लाइक इट सो मच, एक मेन कंपार्टमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है. यहाँ पे फ्लैप दे रखे हैं जिसमें आप अपने पेपर्स वगैरह रख सकते हैं एंड एक छोटी जिप वाला कंपार्टमेंट भी अंदर मिल जाता है. एंड यहाँ बैक में भी आपको एक जिप मिल जाती है. सो या दिस इज द फर्स्ट बैग विच आई गॉट इट, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. अगेन इसमें भी आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे तो जैसा भी आपको कलर पसंद हो आप उस अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं. आई लाइक इट ब्राउन, और मुझे ब्राउन टोन के ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये एकदम बेसिक और न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ कलर है जो कि आप मेजरली अपने आउटफिट्स के संग कैरी कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द सेकेंड बैग, अगैन Lavie का ही है, मॉव कलर का है ये बैग एंड अगैन आई लाइक इट सो वेरी मच. सो दिस इज़ द बैग, सेम मेजरली उस जैसा ही है बट इसमें आगे इस टाइप से ये पैटर्न मिल जाता है आपको, लाइक सेल्फ पैटर्न है ऑन द बैग इन द फ्रंट साइड और यहाँ आगे आपको बैग की ब्रांडिंग मिल जाती है. अगैन इस टाइप से आपको ये शोल्डर की वो मिल जाती है स्ट्रैप विच यू कैन कैरी ऑन द शोल्डर और इसमें आपको स्लिंग भी मिलती है. सो यहाँ पर स्लिंग का दे रखा है लगाने के लिए जो कि अंदर है. एंड हेयर इज द मेन कंपार्टमेंट, अगेन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, सेम उस जैसे ही है. बीच में आपको चेन कंपार्टमेंट मिलता है एंड आगे पीछे स्पेस मिलता है, फ्लैप मिलती है एंड छोटी जिप कंपार्टमेंट भी मिलता है अंदर, और अंदर आपको मिल जाती है स्लिंग. ओके सो हेयर इज द स्लिंग जिसको आप अटैच कर सकते हैं, लाइक डिटैच भी कर सकते हैं एज यू वॉन्ट टू कैरी. अगर आपको एज अ स्लिंग बैग कैरी करना है तो आप उसको लगा सकते हैं, एज अ शोल्डर बैग कैरी करना है तो आप उसको डिटैच कर सकते हैं. एंड पीछे भी आपको इस टाइप से ये चेन कंपार्टमेंट मिलता है एक. सो येस, दिस इज माई नेक्स्ट बैग, बहुत ही प्यारा बहुत ही प्रिटी सा बैग है. अगैन ये वाला भी मॉव कलर में है आप देख सकते हैं, तो अगैन सारे मेजरली आपके आउटफिट्स के संग जाएगा और परफेक्ट फॉर ऑफिस एंड कॉलेज है, पार्टीज वगैरह में भी आप लेके जा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सामान कैरी करना है तो. इसी टाइप के आप कलर्स पिक कीजिए जो आपके मेजरली आउटफिट्स के संग जाए. फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाए थे, वैसे भी आप कलर पिक कर सकते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको किस टाइप के कैसे कलर्स पसंद है, या हमेशा ही न्यूट्रल पसंद है या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पसंद है. सो या दिस इज माय नेक्स्ट परचेज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अप, आई हैव फ्रॉम द ब्रांड Caprese और वो भी ब्राउन कलर में ही है. सो दिस इज द बैग एज यू कैन सी, अगेन दिस इज ऑल्सो अ शोल्डर बैग एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा बड़ा है दिखने में एंड स्पेशियस भी है. सो ये आपको शोल्डर स्ट्रैप मिल जाती है, बाकी इसके अलावा कोई भी स्ट्रैप नहीं मिलेगी आपको. एंड सबसे बेस्ट थिंग मुझे इसकी ये आगे की डिटेलिंग लगी, एज यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट कलर के थ्रेड से जो डिटेलिंग दे रखी है आगे. एंड नीचे आपको ये ब्रांड की लोगो मिल जाता है. एंड हेयर इज द मेन कंपार्टमेंट, एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है ये बैग. अगेन आपको मिडिल में जिप कंपार्टमेंट मिल जाता है, आगे पीछे स्पेस है, फ्लैप मिल जाता है एंड एक छोटू जिप भी मिलती है और पीछे भी एक छोटा जिप कंपार्टमेंट मिल जाता है आपको इस टाइप से.
सो या दिस इज माई नेक्स्ट परचेज विच आई लाइक इट सो मच. एकदम प्लेन सा है, बेसिक ब्राउनिश कलर का है, बट इसकी ये जो थ्रेड की डिटेलिंग है इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और डिफरेंट लुक आ रहा है. सो या दिस इज माई नेक्स्ट वन. अगेन आई हैव फ्रॉम द ब्रांड कैप्रीसी और इसको मैं यूज़ कर भी चुकी हूँ. अगेन ये भी शोल्डर बैग ही है, ये आपको शोल्डर स्ट्रैप मिल जाती है, इसके अलावा कोई भी स्ट्रैप नहीं मिलेगी. एंड जो बैग का पैटर्न है वो प्लेन नहीं है, सेल्फ प्रिंट है इस पे बैग पे. एंड या हेयर इज़ द मेन कंपार्टमेंट एक जो आपको मिलता है. एंड यू गाइस काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, अगर आप कहीं ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आपका थोड़ा ज़्यादा सा सामान आ जाए बैग में, तो आप इसको डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं और इस टाइप के बैग ज़रूर ले सकते हैं. सो हेयर इज़ द स्पेस. अगेन बीच में आपको ये मिल जाता है जिप कंपार्टमेंट, आगे पीछे स्पेस है. एंड या दैट्स अबाउट दिस वन. और पीछे भी आपको एक जिप कंपार्टमेंट मिल जाती है एंड आगे आपको ब्रांड की लोगो भी मिलती है. सो या दैट्स अबाउट दिस वन. ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है. नेक्स्ट अप आई हैव फ्रॉम द ब्रांड लिनो पेरिस एंड इसको भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ. सो दिस इज़ द बैग, दिस इज हैंड हेल्ड बैग एज यू कैन सी. और इसमें स्लिंग भी मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो स्लिंग घुमा चुकी हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ 2 to 3 times. सो या दिस इज़ द बैग, डार्क मरूनिश कॉफ़ी कलर का इसका शेड है. वेरी प्रिटी एंड वेरी डिफरेंट बैग, पार्टी वेयर के हिसाब से परफेक्ट है. सो आगे आपको एक जिप मिल जाती है इस टाइप से, देख सकते हैं ये. ये आपको ब्रांड का लोगो मिल जाता है एंड हेयर इज़ द मेन कंपार्टमेंट. और अंदर आपको स्पेस मिल जाती है, ठीक ठाक सी स्पेस मिल जाती है, बहुत ज़्यादा स्पेस ठीक ठाक सी स्पेस मिल जाती है, बहुत ज़्यादा स्पेस मैं नहीं कहूँगी इसमें मिलती है. एंड एक जिप कंपार्टमेंट पीछे भी दे रखा है. सो हेयर इज माई नेक्स्ट परचेज. एंड द लास्ट बैग आई हैव इज फ्रॉम द ब्रांड बैगेट, जो कि टू बी फ्रैंक मुझे एज सच पसंद नहीं आया. मतलब मुझे ऑनलाइन ये देखने में काफ़ी बड़ा लगा था, बट इट इज़ रियली वेरी स्मॉल बैग. शायद साइज उसका लिखा हुआ था, मैंने ही शायद नोटिस नहीं किया होगा. Anyways, okay, so here is the bag. As you can see, very cute little sa bag. इतना छोटा बैग है, मुझे इतने छोटे बैग की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे रिसीव होगा, बट ठीक है, ये तो मेरे को एकदम वॉलेट जैसा ही लग रहा है. सो ये आपको एक छोटी स्ट्रैप यहाँ दे रखी है एंड आगे आपको बैगेट का लोगो मिल जाता है. हेयर इज़ द मेन कंपार्टमेंट, आप देख सकते हैं स्पेस तो आपको दिख ही रहा होगा कितना है जब इतना छोटू सा बैग है तो. एंड ये इसमें पीछे जिप मिल जाती है एंड या एक बड़ी स्लिंग भी मिलती है विच इज़ नॉट डिटैचेबल. सो ये हमेशा अटैच ही रहती है. सो आप इसको ऐसे भी लेके कैरी कर सकते हैं एज अ स्लिंग या फिर ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन यू. एंड इसका कलर भी लाइट ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ का है, यू कैन सी. सो या कलर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद आया, इसका पैटर्न भी अच्छा लगा, बट साइज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया. काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ मुझे रिसीव हुआ, बट एनी वेज आई लाइक इट. डेली डे टू डे के हिसाब से या फिर जिनको ऐसे बैग्स कैरी करना पसंद है, छोटे बट वॉलेट जैसे बैग कैरी करना पसंद है और उनमें थोड़ा स्लिंग या कुछ पकड़ने का होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी के संग होता है वो वॉलेट कैरी करते हैं बट वो भूल जाते हैं कहीं रख करके. सो इट्स बेस्ट कि उसमें अगर स्लिंग होता है या फिर कुछ पकड़ने का होता है तो वो उनके हाथ में ही रहता है ऑल द टाइम. सो या दिस इज़ माई नेक्स्ट एंड द लास्ट बैग विच आई गॉट इट. सो या दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज. इस वाले पार्ट में कौन सा बैग अच्छा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई थिंक अब अपने नेक्स्ट अफोर्डेबल वीडियो में. टिल देन बी क्रिएटिव एंड बी स्टाइलिश. बाय.